खुशी है इस बात की और मैं धन्यवाद देता हूं अपने किसान भाइयों को कि जिनकी वजह से कम समय में हमें जमीन लेने का मौका भी मिल गया और कहीं हमें एक जगह भी आंदोलन का सामना नहीं करना पड़ा। किसी किसान ने विरोध नहीं किया, पूरा का पूरा किसानों ने जमीन दे करके हमें एक्सप्रेस बना करके तैयार करने का मौका दिया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जब किसानों से बातचीत की तो जो किसानों की मांग थी उसको हम लोगों ने माना। किसान चाहते थे कि उनका सर्किल रेट से ज्यादा मिले, मार्केट भाव मिले उन्हें। मैंने 3 गुना कहा और जब फाइल पर फैसला लिया गया तो मैंने किसानों के लिए सर्किल रेट बढ़ा करके 4 गुना मुआवजा देने का फैसला लिया और उसका परिणाम ये था कि पूरी की पूरी जमीन कम समय में किसानों ने हमें दे दी। और उसके बाद जब उद्घाटन हो गया तो मंच पर हमारे तमाम पूर्वांचल के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, बलराम यादव जी बैठे हैं, राम गोविंद चौधरी जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी हैं और बहुत सारे लोग सामने बैठे होंगे। पूर्वांचल की जनता के लिए समाजवादियों ने फैसला लिया कि लखनऊ से ये सड़क अब गाजीपुर और बलिया तक पहुंचेगी, क्योंकि नेताजी का क्षेत्र आजमगढ़ था, इसलिए आजमगढ़ को छूते हुए गाजीपुर बलिया को जोड़ने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि उसी समय की डिजाइन, उसी समय के जितने भी स्पेसिफिकेशन थे, जो आगरा लखनऊ के स्पेसिफिकेशन उससे बेहतर स्पेसिफिकेशन, और ये सड़क कैसे आगरा लखनऊ से बेहतर बने, इसलिए पूर्वांचल को भी जोड़ने के लिए और सीधा दिल्ली से जोड़ने के लिए वो सड़क बनाई थी। समाजवादियों ने अगर डिजाइन न की होती सड़क, सड़क के ऊपर हवाई जहाज उतरने का फैसला न लिया होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस सड़क पर हरक्यूलस विमान से नहीं उतर पाते। अगर किसी की देन है, समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से